हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मेरे पास अनबॉक्सिंग करने के लिए मिनी रिचार्जेबल फैन है, जो इसके लिए काफ़ी छोटा है लेकिन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तो इसी की अनबॉक्सिंग मेरा करूँगा, ए टू जेड फीचर्स एंड प्राइस मेरा बताऊँगा, रे बताऊँगा क्या इस प्राइस में इस मिनी फैन को आपको परचेज मेरा करना चाहिए कि नहीं। चले फिर दोस्तों, अगर बढ़ने से पहले बता दूँ वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज़ लाइक वगैरह नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, उसके बाद में बेल आइकन को भी इनेबल कर दिया ताकि ऐसे कुछ कमाल की अनबॉक्सिंग वीडियो आते रहती हूँ उसे अपने फोन पे सबसे पहले देख पाए। तो बॉक्स पैकिंग की बात करूँ देख सकते हैं दोस्तों, मिनी फैन की ब्रांड लिखी है। ट्रांसपेरेंट बॉक्स में रखा गया तो सामने आपको दिख रहा है, जहाँ पे आपको एटीट्यूड फीचर्स वगैरह साइड में मेंशन वगैरह किया गया। तो फटाफट फीचर्स कुछ खास तो होता नहीं है, लेकिन फटाफट ओपनिंग वगैरह करते हैं और देखते हैं कितने पावरफुल है, क्या कैसी कैसे कैसे यूजर है इसको कर सकते हैं यानी, और मेन बात क्या यूजफुल है यानी। तो चलिए छोटा सा सेक्शन है दोस्तों, इसमें लिखा तो गया एक्सेसरीज, लेकिन देखते हैं क्या है इसमें। उसके लिए छोटा सा यूएसबी टू माइक्रो यूएसबी केबल मिल जाते हैं, जिससे इसको चार्ज वगैरह कर सकते हैं। और इसको ओपन करो दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे और चीज़ें मिल जाती है, जहाँ पे कुछ नहीं है, सिंपल से रखा हुआ मिल जाता है। दो कलर में आने वाला मिनी पोर्टेबल रिचार्जेबल फैन, जहाँ पे आपको काफ़ी छोटा फॉर्म फैक्टर में आता है, देख सकते हैं काफ़ी सही ऐसे देखने में लगता है, पीछे बटन होगा। कलर कॉम्बिनेशन की बात करूँ तो लाइट ग्रीन और इसके लिए ग्रे कलर का कॉम्बिनेशन है, जो देखने में काफ़ी सही लग रहा है। और भी दोस्तों इसके लिए कलर की बात करूँ तो इसमें बहुत सारे कलर आते हैं, लिंक वगैरह दे दूँगा, वहाँ से चेक वगैरह कर सकते हैं। मल्टीपल कलर में देखने के लिए मिल जाएगा, जहाँ पर आपको यहाँ कैरी करने के लिए दिया गया, हुक वगैरह दिया गया, इसमें स्टैप तो नहीं दिया गया, लेकिन अलग से परचेज करके कहीं लगा कर कैरी करने में कोई दिक्कत वगैरह नहीं होगी। बिल्कुल टी बात करूँ दोस्तों, बिल्कुल ए टू जेड प्लास्टिक है, लेकिन प्लास्टिक बिल्कुल टी काफ़ी सही है, देख सकते हैं इसको रोटेट वगैरह भी कर सकते हैं। प्लास्टिक बिल्कुल टी में फिनिशिंग वगैरह काफ़ी सही लग रही है, काफ़ी ये नहीं लग रहा है कि आपको 200-400 रुपये का फैन खरीदे घटिया सा लग रहा है। क्वालिटी वगैरह की बात करूँ तो क्वालिटी काफ़ी सही से देखने में लग रही है। 360 रोटेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है, काफ़ी सही बात है, जहाँ पर आपको इधर आपको यूएसबी चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है तो इससे चार्ज वगैरह कर सकते हैं। लेकिन इसमें कोई दोस्तों इंडिकेटर लाइट नहीं दिया गया, तो प्रॉब्लम है कब फुल चार्ज हो गया नहीं ये आपको पता नहीं चलने वाला, लेकिन क्योंकि इंडिकेटर लाइट होता तो आपको पता नहीं रहता फुल चार्ज हुआ नहीं, तो इसमें आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। जहाँ पर आपको दोस्तों इसकी मोड की बात करो तो यहाँ पर आपको 1, 2, 3 मोड मिल जाएगा, जिसमें आपको नॉर्मल मोड मिल जाएगा, जहाँ पर आपको देख सकते हैं मेंशन भी किया गया 3 मोड का ऑप्शन मिल जाएगा, यूएसबी चार्जिंग का ऑप्शन वगैरह दिया गया, तो यहाँ पे मेंशन किया गया यहाँ पे आपको 3 मोड में मिल जाएगा, तो 3 मोड में यूज कर पाएंगे। जो इसमें हायर वाले की बात करूँ तो है तो काफ़ी छोटा है, जैसे देख सकते काफ़ी पिछले ना पावरफुल एयर वगैरह जनरेट वगैरह कर पाता है अपने साइज़ के हिसाब से, मुझे काफ़ी सही लग रहा है देखने में, काफ़ी यूजफुल हो सकता है। अगर आप कहीं यूज वगैरह पार्टी वगैरह में जाते हैं, कई लोग यूज़ करते हैं क्योंकि मेकअप वगैरह ख़राब ना हो जाए, तो गर्मी का टाइम है तो उस टाइप उस पर्पज़ से यूज वगैरह कर सकते हैं, तो काफ़ी मेरे हिसाब से सही है। अगर आपको छोटा ऐसे मिनी फैन की पोर्टेबल की ज़रूरत है, जो कैरी करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, कहीं भी बैग वगैरह हम डाल के कैरी कर सकते हैं तो वो भी उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, तो यूज वगैरह कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं होगी, तो परचेज वगैरह करना चाहेंगे तो कर पाएंगे। कौन पकड़ के लेके आया इसे, हैं? इसमें मेरे हिसाब से काफ़ी सही लग रहा है। प्राइसिंग की बात करूँ तो 400 रुपये का आसपास प्राइसिंग है, फ्लिपकार्ट से परचेज वगैरह किया है। जिसमें बैटरी की बात करूँ दोस्तों तो एक बार चार्ज करने में आपको 2 घंटे के आसपास लगेगा, लेकिन एक बार फुल चार्ज करेंगे तो बैटरी लाइफ बताई नहीं गई है कहीं भी इसके कितने घंटे लगते हैं चार्ज करने में, लेकिन मैंने जितने यूज़ किया है आपको 3 से 4 घंटे का हायर जो मोड वगैरह है, जो सबसे ऊपर वाला मोड है, इसको यूज वगैरह करते तो 4 घंटे का आसपास बैटरी लाइफ मिल जाएगा, और जैसे जैसे कम करेंगे तो बैटरी लाइफ इन्हेंस हो जाएगा, और जैसे जैसे मतलब नीचे जाएंगे तो बैटरी लाइफ और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। अगर सबसे लोअर वाला मोड यूज करते हैं तो 7 से 8 घंटे के आसपास बैटरी लाइफ देखने के लिए मिल जाएगा, तो उसी हिसाब से यूज वगैरह कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से वारंटी वगैरह तो नहीं मिलती, लेकिन वारंटी वगैरह के साथ बताऊं तो रिप्लेसमेंट वारंटी वगैरह मिल जाती है। वारंटी मेरे को कंफर्म नहीं है, वारंटी मिलती है नहीं, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप चेक वगैरह कर पाएंगे। मेरे हिसाब से अगर आपको ऐसे फ़ैन की ज़रूरत है तो अपने कैटेगरी में काफ़ी पावरफुल और काफ़ी यूजफुल फ़ैन है, जो मेरे हिसाब से फुल्ली रिकमेंडेड है। अगर परचेज वगैरह करना चाहते हैं तो इसकी साइज़ पर मत जाइए कि काफ़ी छोटा है, काफ़ी अलग जो बड़े फ़ैन होते हैं मिनी वाले, उनके उनको काफ़ी अच्छे टक्कर देता है, उनके लेवल का परफॉर्मेंस वगैरह निकाल के दे देता है। तो चलिए फिर दोस्तों, परचेज वगैरह करना चाहेंगे तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन, वहाँ से परचेज वगैरह कर पाएंगे। और भी मैंने बहुत सारे मिनी फैन की अनबॉक्सिंग की है, जो डेक्स फैन है काफ़ी पावरफुल है, इससे भी थोड़ा ज़्यादा पावरफुल है, तो उन सबकी परचेजिंग वीडियो वगैरह
तो उन सब वीडियो वगैरह मिल जाएगा, वहाँ लिंक डिस्क्रिप्शन, वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो इसको परचेज करना चाहेंगे तो इसको तो परचेज वगैरह कर ही पाएंगे। चले फिर दोस्तों, आज के लिए इतने ही, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, लोगों से कराइए ताकि ऐसे कुछ कमाल की डिटेल वीडियो आपके यूजफुल के लिए लाता रहूँ। तो चले फिर दोस्तों, आज के लिए इतने, थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।